भाई ये चांद रोज क्लास में आता है, स्कूल रोज आता है, कोने में बैठा रहता है, चुपचाप बोलता कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हुई, ठीक है, क्योंकि आज ऐसा मौका है कि आशीष यहाँ पे आया, जो कि खुद एक के लॉजिस्टिक कंपनी और कौन सी कंपनी आपकी शिप एंड स्नैप दो कंपनियों कंपनियां ये चला रहे हैं, कुरियर की कंपनी है दोनों, ठीक है, कुरियर और कोई सामान चौदह पैकर एंड मूवर, इसी में एक और हमारा हीरा चुपके बैठा हुआ था इसी क्लास में, जो लिफाफे बना रहा, देखो पहले ये काम करते थे कहीं और छोटे मोटे, लेकिन सोचा कि क्यों ना मैं भी कर सकता हूँ, मैं घर में कभी कभी छुट्टी हो जाती है, खाली बैठे रहते हैं, और ये छोड़ो इसने चार और लड़के आस पड़ोस के ले लिए अपने साथ कि भाई तुम कुछ नहीं करते तो आ जाओ मेरे साथ, वो भी आ गए, उनको इनका हिस्सा देता है, मालिक खुद है, ये कंपनी है, भी ये कंपनी के मालिक है, और ये जानकर मुझे और खुशी हुई, पहले खुशी इस बात की हुई कि अपना काम कर रहा है, उसके बाद खुशी इस बात की हुई कि अपने साथ चार और लोगों को भी काम दे रहा है, काम दे रहा है, उनको पैसा दे रहा है, उनसे काम ले रहा है ना, जॉब दे रहा है ना, जैसे कि इन्होंने 20 से 25 लोगों को ये इम्प्लॉय रखे हुए अपनी कंपनी में, वैसे ये छोटी सी कंपनी हमारी यहाँ है, ठीक है, चांद चांद की कंपनी जिसमें चार लोग काम करते हैं और पांचवे खुद है जो कि मालिक है, एक बहुत अच्छा उदाहरण, और यहीं से मिल गया, मुझे तो पता ही नहीं था, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मैं छठी से देख रहा हूँ, आज तक ये कभी फालतू बोला नहीं, बस हाँ हाँ करता रहता है, कुछ बोलता है नहीं, लेकिन इस शांत आदमी के अंदर भी एक बिजनेसमैन छुपा है यार, है ये मैं आज पहली बार जाना हूँ, एक बार भाई जोरदार तालियां बजा, ऐसा काम देखो कुछ काम करने के लिए देखो कुछ अलग सोचना होता है, कुछ हटके बेटा, अरे तो कुछ अलग सोचना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, ठीक है, जो कि चांद ने किया, कोई सोच सकता है, यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जिनका बिजनेस चलता है, शायद इस तरह के पैकेट आप लोगों की दुकान आपकी दुकान होगी तो उस पर भी चलो, है ना, आप लोग खरीदते होंगे, तो क्यों ना एक काम करें कि इसका कॉन्ट्रैक्ट चांद को ही दे दें, सिंपल बात, अगर आपका कोई काम है आप लोग अपने यार दोस्तों से काम वो करवा सकते, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते कि भाई मेरा सामान आज इस तरीके से भी चल सकता है, के लिए बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए शुरुआत छोटे से ही करनी पड़ती है, आपको छत पे जाना है तो सबसे पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, एकदम छत पे थोड़ी चले जाओगे, वही चीज यहाँ पे भी है, एक छोटी सी एक पहल जिसमें भाई हमारा आशीर्वाद इसके साथ था, और बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी और बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो, और साथ में भाई हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट है, कब आया था 2016 से ये स्टूडेंट यहीं से 12वीं कर ली है, और बहुत बड़ी कंपनी है ना एके लॉजिस्टिक जो इनकी है, इससे मुझे अच्छा लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी स्टार्टअप है, बढ़िया।